हेलो मेरे स्मार्ट दोस्तों, आज हम एक बढ़िया सा नमकीन बनाने जा रहे हैं जिसको मक्के के पोहे के साथ बनाएंगे, जिसको कॉर्नफ्लेक्स बोलते हैं। वो मैंने एक कटोरी 200 ग्राम लिया है, मैंने 50 ग्राम बूंदी दी है, 50 ग्राम मूंगफली, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम मक्खानी, किशमिश डालेंगे उसमें, हम वो नहीं करेंगे, फ्राई नहीं करेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पर, उसमें तेल डाल दिया है। सबसे पहले मैं आपको काजू बनाना सिखाऊंगी। गैस गरम, घी हमारा गरम हो गया है और मैंने ये छन्नी इसमें डाल दी और मैं इसमें काजू डाल दूंगी। इसको हल्के हल्के से ऐसे घुमाना है, हल्के से पिंक हो जाए। इसी तरह मुझे ये सब फ्राई करना है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। अब मैं आपको इसमें काली मिर्ची वाले पहले बनाकर दिखाऊंगी। बढ़िया से काजू हो गए हमारे, बिल्कुल बढ़िया एकदम से, और कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। अब हम इसको इस तरह से, जब तक हमारी मूंगफली हो जाएगी फ्राई, हमारा गैस बंद है, घी गरम है। ये मैंने ली है काली मिर्ची और काला नमक, इसको हम तुरंत से डालेंगे। काली मिर्ची ज्यादा भी डाल सकते हैं। रेडीमेड काजू उस तरह से आते हैं, इसमें काली मिर्ची आप ज्यादा डाल सकते हो। इसमें अच्छे से मसाला मिल गया, बढ़िया। इसी तरह हमारी मूंगफली भी चटकने लगी है, फ्राई हो गई। इसी तरह हम मखाने भी फ्राई करेंगे, पोहा भी डाल देंगे। जब तक हम अपना मसाला बनाते हैं, इसमें डालेंगे हम एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर, इसमें जाएगा एक चम्मच भर के, चाट मसाला, इसमें जाएगा अमचूर पाउडर, अगर आपको ये पोहा ऐसे लगे कि थोड़ा घी घी नमकीन हो गया तो आप एक पेपर पे या एक कपड़े पर इसको रख देना 2 मिनट, फिर आप इसको अच्छे से खा सकते हैं। ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम इसमें लास्ट चीज फ्राई करेंगे जो है करी पत्ता, थोड़ा सा करेंगे। अब हम इसमें मसाला डालेंगे और अच्छे से हाथ से घुमाएंगे।
पुआ डालेंगे। आप कम तेल में भी डाल सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं छन्नी के बगैर। बस इसको निकालना है, इधर पुआ भी डाल देंगे। जब तक हम अपना मसाला बनाते हैं, इसमें डालेंगे हम एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर, इसमें जाएगा एक चम्मच भर के, चाट मसाला, इसमें जाएगा अमचूर पाउडर, अगर आपको ये पोहा ऐसे लगे कि थोड़ा घी घी नमकीन हो गया तो आप एक पेपर पे या एक कपड़े पर इसको रख देना 2 मिनट, फिर आप इसको अच्छे से खा सकते हैं। ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम इसमें लास्ट चीज फ्राई करेंगे, जो है करी पत्ता, थोड़ा सा। अब हम इसमें मसाला डालेंगे और अच्छे से हाथ से घुमाएंगे।